यूपी में महंगी हुई शराब, पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी। कोविड 19 के कारण लागू लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी 5 रुपए बढ़ा दी गई है। अंग्रेजी शराब की कीमत 20 से 400 रुपए तक बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी देने के साथ 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 71.91 रुपए प्रति लीटर की कीमत बढ़ी है। 2 रुपए महंगा होने के बाद इसकी कीमत 73.91 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। डीजल की कीमत 62.85 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 63.86 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक है। हमारी मांग 12,141 रुपए करोड़ है, जिसकी सापेक्ष 1,178 करोड़ रुपए हुआ।